हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी साबूदाने और आलू से बने हुए पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हमारे ये पराठे बन करके तैयार हुए हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, आप इन्हें व्रत में भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम साबूदाने और आलू से बना रहे हैं। तो यहाँ पे साबूदाने को मैंने, एक कटोरी साबूदाने को मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ही भिगा दिया था। 1.5 घंटे आप मतलब भिगाओगे ना तो ये बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। तो इन्हें अगर बनाना है आपको पराठे, तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा पहले ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने साबूदानों को भिगा दिया था। साबूदाना बहुत अच्छे से भीग चुका है। एक्स्ट्रा पानी हम इसका निकाल देंगे और साबूदाना को हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हमने 3 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। मैं क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सभी को पसंद है, बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। आलू को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे साबूदाने के साथ। और यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर तीखा पसंद करते हो तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हो। और अगर आप कोई चीज़ व्रत में नहीं खाते हो ना तो उसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे हम सेंधा नमक डाल देते हैं जो कि व्रत में खाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ। मेरे घर में 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, इसलिए मैंने इसे व्रत के हिसाब से बनाया है। अगर आप नॉर्मली खाने के लिए बना रहे हो ना तो इसमें अपने हिसाब से कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने वही चीज़ें डाली है जो भी व्रत में खाई जाती हैं। तो यहाँ पे नमक सारी चीज़ें ही डाल करके अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसे मैंने डोग की फॉर्म में मिक्स कर लिया है। और अब हम ले लेते हैं एक बोर्ड और अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो आप ना जिसमें भी रोटी पराठे बेलते हो ना उसका यूज़ भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट सेल्फ में भी कर सकते हो साफ़ सुथरा करके। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड का यूज़ किया है। थोड़ा सा पानी एक कटोरी में ले लिया और थोड़ा सा घी ले लिया है जिसकी हमें पराठे बनाने में ज़रूरत होगी। तो अभी मैं यहाँ पे पानी लगा लेती हूँ हाथ में और एक छोटा हिस्सा लूँगी मैं, मतलब जितना बड़ा पराठा आपको बनाना उसके हिसाब से आप मिक्सचर ले लीजिएगा और इसकी बढ़िया सी लोई चिकनी सी तैयार कर लीजिएगा। अच्छा पानी हाथ में लगा करके ही लोई बनाइएगा जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि उबले हुए आलू और साबूदाना ना तो ये हाथ में चिपकेगा। पानी लगा करके करेंगे तो बिल्कुल ईजली ये लोई बन करके तैयार हो जाएगी। तो लोई को हम एक पॉलीथिन में रखते हैं। पॉलीथिन मैंने साफ़ सुथरी सी ली है, इसे मैंने धुल लिया था, सुखा लिया था, उसके बाद यूज़ कर रही हूँ। और बस थोड़ा सा आप चाहें तो लोई में घी लगा लीजिएगा अगर चिपक रहा है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलीथिन की सहायता से जैसे हम पापड़ वगैरह बनाते हैं ना प्लेट से दबा करके, उसी तरीके से आपको ये पराठे मतलब फैला लेने हैं, दबा करके फैलाना है। कोई भी आप प्लेट थाली का यूज़ कर सकते हो और जिससे कि ईजली ये पराठा मतलब बेल करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इसे बेलन और चकले में बेलेंगे ना तो ये चकले में ही रह जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। पॉलीथिन में बनाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, ईजली बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पराठे को बेल लिया है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बेलेंगे और इसे हम गर्म तवे में डाल करके सेक लेते हैं। जैसे हम पराठे सेकते हैं ना क्रिस्पी स्पॉट से, वैसे ही हम इसे भी उलट पलट के घी लगाते हुए सेक लेंगे। तो इसे हमें मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, पेशेंस के साथ सेकना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें ये पराठे सेकने और ना तो बहुत ज़्यादा स्लो गैस में, क्योंकि फ्लेम ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा होगी तो पराठे जल जाएंगे और कम होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और परफेक्टली तैयार नहीं होंगे। इसलिए फ्लेम को भी आप थोड़ा मतलब नॉर्मल रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना स्लो। और उलट पलट के हम इसे बढ़िया सा सेक लेते हैं। तो एक मैंने ना बड़े तवे का यूज़ किया है, इसके भी अपने फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, वैसे तो मैंने नॉनस्टिक तवे का यूज़ किया है लेकिन आप यहाँ पे कोई भी तवा यूज़ कर सकते हो, रोटी वाला तवा भी यूज़ किया जा सकता है, बट मेरा जो ये तवा है थोड़ा बड़ा है तो इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने बड़े तवे का यूज़ किया। एक साथ मेरे 3 पराठे बन गए थे
तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी से हमारे ये साबूदाने और आलू के परफेक्ट सॉफ्ट से पराठे तैयार हो चुके हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, आप इन्हें कभी भी ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।